आईपीएल 2022 का 43वां मैच जो कि खेला जाएगा हार्दिक पांड्या की टीम वर्सेस फैफ डुप्लेसी की टीम के बीच यानी गुजरात टाइटंस भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। आपको इस दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और भी बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। मुझे क्या लगता है इस मैच में हार्दिक पांड्या टीम और फैफ डुप्लेसी टीम कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले, देख लेते हैं तक इस मैच के ए टू डेट सभी जानकारी जो मिल जाएगा, ठीक है, सभी रिकॉर्ड जो बता दिए जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे ना थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा, ठीक है, बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है, वीडियो को जरूर से देखे। और हाँ, चलिए आज के शुरू में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जो कर ले, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको उसका टाइम पे मिल जाए, क्योंकि पता ही होगा हमारे वीडियो से कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने टू हेड रिकॉर्ड के बारे में पता है किसी मैच में हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। अगर इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों टीमों हेड टू रिकॉर्ड में सबसे बात करें दोनों रिसेंट फॉर्म के बारे में, ठीक है। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें सबसे बात करें गुजरात टाइटंस रिसेंट फॉर्म, गुजरात टाइटंस टीम जो लास्ट 5 मैचेस खेली है ना, 4 मैच जो है बैक टू बैक जीते, केवल एक मैच जो है हारी है, ठीक है। वहीं का बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो रिसेंट फॉर्म की, रिसेंट फॉर्म जो बहुत ज्यादा खराब चला है, खराब से भी खराब चला आप ये कह सकते हो, ठीक है। के 5 मैचों में केवल 2 मैच जीती है, 3 मैच जो है बैक टू बैक हारी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स टीम का जो ओपनर अभी कोई काम नहीं कर रहा, विराट कोहली डगआउट पे आउट हो जा रहे हैं, फैफ डुप्लेसी रन बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एन मैक्सवेल जो आधे टेढ़े शॉट मार के जो है कैच आउट हो जाते हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक में भी पहले 2-3 मैचों में फॉर्म था, अब पता नहीं फॉर्म कहां पे चला गया है। बात गुजरात टाइटंस की टीम की, गुजरात टाइटंस टीम इतनी मजबूत हो गई है कि उनका कोई भी खिलाड़ी अगर मैच जीता चला जाता है, कभी राशिद खान, कभी राहुल तेवतिया, कभी हार्दिक पांड्या, कभी रिद्धिमान साहा, हर खिलाड़ी का फॉर्म में भी चल रहा है, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी अगर मैच जीता के चला जाता है। टाइटंस की टीम की बात करें, गुजरात टाइटंस की टीम जो लास्ट के 5 मैच जो खेली थी उसमें 4 मैच जीती है ना, तो एक मैच जीती है सनराइजर हैदराबाद से, एक मैच जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स से, एक मैच जीती है चेन्नई सुपर किंग्स से और एक मैच जीती है राजस्थान रॉयल जैसी मजबूत टीम से। के 4 मैचों में जो 2 मैच जो पहले बैटिंग करते हुए जीती है, वही 2 मैच जो है चेस करते हुए जीती है, और लास्ट के 5 मैचों में जो एक मैच हारी है ना, वो अभी हारी है सनराइजर हैदराबाद से, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो लास्ट के 5 मैचों में जो 2 मैच जो जीती है ना, एक जीती है दिल्ली कैपिटल से और एक जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स से, दोनों मैच जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम जो पहले बैटिंग करते हुए जीती है, वही लास्ट के 5 मैच में से जो 3 मैच हारी है ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, तो इन 3 हारे हुए मैचों में से रॉयल चैलेंजर्स टीम 2 मैच में पहले बैटिंग कर रही थी, वो एक मैच जो चेस करते हुए हारी है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों की टीम कंपैरिजन की, दोनों टीमों के ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात करें, गुजरात टाइटंस की टीम लास्ट के जो 8 मैचेस के सभी टीमों के साथ, गुजरात टाइटंस टीम का जो विनिंग परसेंटेज रहा है 87% का रहा है, एवरेज स्कोर है 175 का, हाईएस्ट स्कोर है 199 का, वही लोएस्ट स्कोर है 156 का, यानी 156 रन का। वहीं अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लास्ट के 10 मैचेस खेले सभी टीमों के साथ, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो विनिंग परसेंटेज 50% का है, एवरेज स्कोर है 154 का, हाईएस्ट स्कोर है 205 रन का, लोएस्ट स्कोर है 68 रन का। बात करें दोनों टीमों के टीम एनालिसिस की तो ये भी वीडियो के लिए पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दोनों टीम एनालिसिस की बात करें तो दोनों टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस जो ओपनिंग साइड अभी एवरेज में ही है, ठीक है। उधर लास्ट मैच में बस रिद्धिमान साहा ने रन बनाया था, सुमन गिल ने रन नहीं बनाए थे, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो या गुजरात टाइटंस, बट गुजरात टाइटंस टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से थोड़ा ज्यादा मजबूत है, ठीक है। मजबूत तो दोनों टीम है, बट गुजरात टाइटंस टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मिडिल थोड़ा ज्यादा मजबूत है। बैटिंग डेप्थ की बात करें, बैटिंग डेप्थ जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास है, पेस बॉलिंग में जो है गुजरात टाइटंस की टीम जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बहुत ज्यादा आगे है, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों टीमें एवरेज ही है। अगर बात करें दोनों टीमों की स्क्वाड की तो गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में आपको हार्दिक पांड्या, सुमन गिल, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा और भी क्या कहते हैं मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया जैसे बहुत ही शानदार ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर खेलते हुए दिखाई देते हैं। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड की तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से आपको विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, इंदु हजरंगा, हर्षल पटेल, फैफ डुप्लेसी, सैडलवुड, मोहम्मद सिराज, दिनेश कार्तिक और बहुत ही बेस्ट बेस्ट प्लेयर आपको इस टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं, बट फिर भी जो ये टीम इतना ज्यादा अभी जो है क्या नीचे रैंक कर रही है 5 टेबल में। इस सीजन में आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, जिनका जो पिछले मैच बहुत प्रदर्शन किया तो जिनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें सबसे तो बात करें गुजरात टाइटंस के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स में, सबसे पहला जो नाम आता गुजरात टाइटंस की ओर से, सबसे पहला नाम आता हार्दिक पांड्या, दूसरा नाम आता मोहम्मद शमी का, तीसरा जो नाम आता है राशिद खान का, ठीक है। लास्ट मैच उनका बल्लेबाजी तो देखा ही होगा, ठीक है, छक्का पे छक्का मार रहे थे। वही चौथा नाम आता डेविड मिलर का, वही पंचवा नाम आता सुमन गिल का, ठीक है। वही बात करें रॉयल चैलेंजर्स के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की तो रॉयल
बेंगलुरु की ओर से, इसलिए सबसे पहला नाम आता है फैफ डुप्लेसी का। इनका रिसेंट फॉर्म अभी थोड़ा अच्छा नहीं चला, बट बल्लेबाज अच्छे हैं, ठीक है। आईपीएल के दो मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरा नाम आता है दिनेश कार्तिक का, ठीक है। तीसरा जो लास्ट इसलिए इसमें नाम आता है किसका, जोस हेजलवुड का। चौथा नाम आता है शहबाज अहमद का। पांचवा नाम आता है किसका, मोहम्मद सिराज का। दोनों टीम टॉप फाइव बेस्ट प्लेयर, ठीक है, जिनका जो अभी क्या पिछले मैच बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, और हाँ मुझे लगता है कि इस मैच को अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात करें मेरे खुद के पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर से जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस मैच में जो है हार्दिक पांड्या की टीम है, फैफ की टीम है, कौन सी टीम जिस मैच को जीत सकते हैं? दोनों में टीम कंपेयर और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन गुजरात टाइटंस की टीम जो है फैफ डुप्लेसी की टीम नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या टीम इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। उससे पहले आप देख लेना आपके मोबाइल टेलीग्राम ऐप है या नहीं। अगर आपके मोबाइल टेलीग्राम ऐप है, ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। नहीं है जाकर प्ले स्टोर डाउनलोड में अकाउंट बना लेना, जाकर फिर से लिंक पर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन में जाकर, और जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले भी चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों को फैला दे, शेयर कर दो इस वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।